Welcome back to my channel. So today we are traveling to the sixth smallest country, Liechtenstein. So now we are going to Sargen from Zurich, HP. Let's go. Hi Krippi. Hi. किधर जा रहे हो? Liechtenstein. पता नहीं क्या आंसर कंट्री है, बोलना भी नहीं जमता है. ओके क्रिपी डोनट खा रही है और भूमित का भी पेट दर्द होने लग गया था. जैसे ही डोनट रखा उसका पेट दर्द होने लगा और खाते ही उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा. पेट में तो मेरे भी दर्द हो रहा है, लगता मुझे भी कुछ खाना चाहिए. हाय भूमित. हाय ज्योति. हाय कृपी. हाय. किधर जा रहे हो तुम सब लोग? लिख्टेनश्टाइन जा रहे हो. कल हम लोगों ने टिकट निकाला था लिख्टेनश्टाइन जाने के लिए, उसमें ज्योति तेरा नाम की जगह पे मेरा नाम आ गया. ओके तो उसके बाद दौड़ दौड़ के वापस से जाना पड़ा, उसके बाद में टिकट कैंसिल करना पड़ा. इतनी मेहनत करनी पड़ती है इस कंट्री में आने के लिए देखो. और ये सब कृपी की वजह से हुआ, क्योंकि कृपी ने बहुत स्ट्रेस किया, जाना है करके. और भूमित ने आके मेरे मोबाइल में प्रेस कर दिया. तो भूमित का गलती है, कृपी का गलती है, भुगतना मुझे पड़ा. और मेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं रनिंग करते करते SBB में गया. 7 बजे बंद होने वाला था, 6:58 को पहुंच के मैंने टिकट कैंसिल किया. टिकट कौन सा था? क्या पता कौन सा टिकट. कंपेनियन टिकट 38 ट्रैक्स वाला. इट इज नाउ ब्रेकफास्ट टाइम इन द ट्रेन टुवर्ड्स लिख्टेनश्टाइन. और अभी बिस्किट खाएंगे. अभी हम लोग थोड़ा देसी से बदल रहे हैं, तो अभी हम लोग चाक नहीं खा रहे. आज हम लोग बिस्किट खा रहे हैं, डोनट खा रहे हैं. नट काफी अच्छा है, ये अपना एकदम नान खट्टा ही लग रहा है. मतलब खाने तो वैसे ही है ना, लेकिन ये तो अच्छा लगा. क्रिपी लोग का भी हो गया है खाके. अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सार्गन लिख्टेनश्टाइन जाने के लिए, जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है. ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर हो गया. प्रेशर यार, बहुत काम का स्ट्रेस है ना, इससे भूल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रिया इसे भूमित की वजह से होता है, ये बार बार ऑस्ट्रेलिया बोलता है, इससे मुझे भी ऑस्ट्रेलिया ही लगता है. बट इट्स ओके, भावनाओं को समझना चाहिए, फीलिंग्स. वहां पे हम लोग अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प भी करवाएंगे. कृपी को और ज्योति को और भूमित को अपना पासपोर्ट का एक पेज स्टैम्प करवाना है. उसको भी 3 फ्रैंक देना पड़ेगा. कुछ भी चीज हो तो इनको पैसा ही चाहिए यहाँ पे. हाँ कंट्री में एंट्री करने के लिए स्टैम्प करना पड़ता है ना. फिर क्या रहे ना, बिना स्टैम्प किए आते तो अभी हम दोनों को जेल में रखा होता है. इंडिया में भी लगता है स्टैम्प, सब जगह लगता है. हाँ फिर हमारा तो पासपोर्ट ही इंडिया का है. हाँ वर्किंग डे के दिन ट्रिप करने का कुछ अलग ही मजा होता है. एक तो भीड़ कम होती है और रिलैक्स लगता है. और अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मौसम थोड़ा रेनी होते जा रहा है, मतलब क्लाउडी हो रहा है. वैसे तो टेम्परेचर के हिसाब से दिन में वहां पे सनी होना चाहिए, बट देखेंगे कैसा होता है. हमारा वीजा 30 अप्रैल को फिनिश हो रहा है, उसके बाद हम लोग स्विट्जरलैंड से बाहर नहीं जा सकते. इससे आज ही जा रहे हैं लिख्टेनश्टाइन. उम्मीद क्या बोलते हैं एक बार वापस से बोलना जरा इधर. व्हाट इज, किधर जा रहे हैं हम लोग? लिख्टेनश्टाइन. किधर? लिख्टेनश्टाइन. एज यूजुअल स्विस फुल ऑफ ग्रीन्स, फुल ऑफ स्नोज इन विंटर. और अभी विंटर खत्म हो के स्प्रिंग शुरू, तो सारी तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी. यू कैन एंजॉय चार्मिंग फ्रेश प्योर चीयरफुल व्यू फ्रॉम स्विस ट्रेन. पूरी ट्रेन में कोई नहीं, हर बार हम जितनी बार आते हैं हमारे साथ कोई होता ही नहीं है, मतलब प्राइवेट बुक ट्रेन होती है. अभी तो इधर सीट ही खाली हो चुका है सारे, कोई नहीं है ना भूमित. हाँ
हमने 138 फ्रैंक्स का टिकट खरीदा ना। हमारा फर्स्ट स्टॉप अभी कौन सा होने वाला है? साजन तुझको पुकारे इसलिए हम लोग जा रहे हैं। उमित गुड मैनर्स, डस्टबिन में कचरा फेंकते हुए बहुत अच्छा गुड उमित, यही फॉलो करना है हमेशा। और अभी डोनट के बाद फिर से पेट दुखने लग गया, तो अभी लॉलीपॉप खा रहे हैं। कोई है ही नहीं स्टेशन पर, जारगन नाम है, सारगन में कोई साजन ही नहीं है। साजन स्टेशन विदाउट एनी साजन। अभी जारगन से वाडूस जाने वाले हैं। एक यहाँ पे बस खड़ी है ग्रीन कलर की, 11 नंबर। ये 11 नंबर बस है ना, मैं अपने कॉलेज के लिए भी पकड़ता था, बैंड्रा स्टेशन से बैंड स्टैंड जाने के लिए। वाओ, बैक टू माय कॉलेज डेज। ड्राइवर अभी आया नहीं है, कोई यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। ज्योति ढूंढ रही है बस ड्राइवर को, कृपी भी ढूंढ रही है। भूमित हमें ये वाली बस में जाना तो इसी बस में, 11 नंबर। वाओ, आई लाइक 11। अभी मैं और भूमित बैठ चुके हैं जारगन से वाडूस जाने के लिए। भूमित, आर यू एक्साइटेड? नो, भूमित को जाना था किधर, रोम। हाँ, रोम या इटली कहीं तो जाना था। इटली? फिर भूमित वैसे भी इटली में जाके इडली डोसा क्या खाने का, तो हम लोग घर पे खा लेते हैं। अच्छा, पिज्जा मिलता है उधर, ये तो पिज्जा घर पे भी तो बनाते हैं हम लोग। और अब फाइनली हम लोग वाडूस की तरफ जा रहे हैं, और ये बस घूमते हुए यहाँ पे अपना लाल डब्बा वाला बस ड्राइवर आना चाहिए, क्या घुमाएगा, जूम 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 जूम। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट वेदर प्रेडिक्शन है कि 12 बजे से सनलाइट होगा। नहीं, अभी तक हम लोग लिक्सटेन टाइम में नहीं आए, अभी भी स्विस है। फाइनली काओ तो दिख गया इधर, लेकिन ये तो स्विस है अभी भी यार, वी आर स्टिल नॉट इन लिक्सटेन टाइम। एक भी इंसान नहीं है यहाँ के रोड पर, सिर्फ घर, कार और ये एक बस, नॉट अ सिंगल पर्सन, एक भी इंसान नहीं दिखा। स्टेशन से लेके ऑलमोस्ट 4-5 मिनट की जर्नी हो चुकी है, और यहाँ से अभी बस थोड़ी देर में एक ब्रिज आएगा जो कि स्विस और लिक्शनस्टाइन को सेपरेट करेगा। फाइनली ये ब्रिज आ चुका है। वीडियो लास्ट तक देखना, हम इस ब्रिज के पास भी जाएंगे। ट्रेडिशनल चाट टाइम, जो हम लोग सारे ट्रिप में खाते हैं। क्रिपी एंजॉय कर रही है, बारिश हो रही है तो हम लोग एक बस स्टॉप पे रुक गए और खा रहे हैं। इस बार का चाट मिक्स चाट है, जिसमें राजमा, ऑनियन, चना, पता नहीं क्या क्या है, बहुत बहुत स्वादिष्ट है। अभी हम लोग वाडूस में वॉक कर रहे हैं, इस वाडूस कैपिटल सिटी ऑफ लिक्शनस्टाइन। यहाँ पर वैसे भी वॉक करते करते ही सारा कवर हो जाता है, यहाँ पे तो रनिंग करते करते ही पूरी कंट्री कवर हो जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल, एज यूजुअल यहाँ पे सब कुछ ही ब्यूटीफुल होता है। और फाइनली एक पिंक भी दिख गया, यहाँ से कुछ खाने का सामान भी ले सकते हैं। एक ये रेस्टोरेंट, पुराना हॉन्टेड हाउस जैसा। फाइनली कोई कोई लोग तो दिख गए यहाँ के रास्ते पर, अदरवाइज हम लोग ही ऑड मैन आउट दिख रहे थे। एजिया टेक अवे रेस्टोरेंट, बट दिस एजियन हैज नथिंग इंडियन, ओनली चाइनीज, थाई, मलेशियन। माउंटेंस एकदम अलग लग रहे हैं, रॉकी माउंटेंस। पुलिस का बहुत ही एकदम से नाकेबंदी हुई है। इंस्पायर्ड बाय योगी जी।
यहाँ पे भी लगता है एकदम से नाकेबंदी। We enjoyed walking in this beautiful city and covered all the places by foot. Small country, small city, less people, but still robot cutting grass. This is the benefit of technology. First place we visited was wine cart. Wine life cycle. January में bottle. February में ये ऐसे ही है. March, April, जिस महीने में अभी हम लोग हैं थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ हैं. मई में then we can see grapes here. फिर ये अंगूर आएंगे ऐसे धीरे धीरे. फिर ये अंगूर के दाने और mature हो गए. यहाँ पे आए अक्टूबर आते आते एकदम से राइप हो जाएंगे और नवंबर में इधर वाइन मिलेगी और फिर हम लोग चीयर्स करने के लिए आएंगे नवंबर। यहाँ पे दिख रहा है पूरा वाइन गार्डन अभी, जैसे कि अप्रैल का मंथ है तो पेड़ अभी बेचारे रुके सूखे हैं और दो तीन महीना वेट करना पड़ेगा, देन इट विल बी जूम। Guys, now we're going inside tourist office and we'll get information about Liechtenstein. Bhumit ने तो अपना पासपोर्ट पे भी स्टैम्प करवा लिया है कि वो यहाँ Liechtenstein विजिट किया है। बच्चे लोगों का फ्री स्टैम्पिंग, बड़े लोगों के लिए 3 फ्रैंक देना पड़ता है। मैंने तो नहीं कराया, मेरा पासपोर्ट वैसे ही भर चुका है। स्टैम्पिंग करने के लिए भूमित कहाँ गए थे? टूरिस्ट ऑफिस में। और वहाँ पे फ्लैग भी फ्री मिला बच्चे लोग तुमको। हाँ। ओके, बोलो बोलो Liechtenstein माता की जय। सो गाइस, दिस इज Liechtenstein म्यूजियम। और यहाँ पे बहुत सारी फोटो खींच रहे हैं ये लोग कार्टून बन बन के, मैंने भी खींची है। गाइस, आई आल्सो हैव Liechtenstein's फ्लैग। हम लोग कहाँ गए? दिस इज रॉट हाउस, पार्लियामेंट हाउस। यहाँ का जितना छोटा देश उतनी छोटी पार्लियामेंट, इतने में तो हमारी बिल्डिंग का क्लब हाउस होता है। सो गाइस, दिस इज पार्लियामेंट हाउस। इट लाइज एट द हार्ट ऑफ द पीटर कैसर प्लाट स्क्वायर एट वादूस। इट्स अ यूनिक बिल्डिंग फॉर स्मॉल गवर्नमेंट ऑफ 25 इलेक्टेड मेंबर। It is one of the safest country in the world, so safe that they don't have their own army and have very few policemen. So guys, now we are going to cathedral. So guys, this is St. Florin Cathedral. This is Roman Catholic Church located in Vaduz near Parliament. So guys, this is 11 o'clock. Let's go inside the church and take blessing. कैथेड्रल से जस्ट बाहर आते हुए हम लोगों ने अंदर जीसस क्राइस्ट से प्रेयर कर लिया और कृपी लॉलीपॉप खाते हुए वो मेरे बैग के अंदर कुछ तो ढूंढ रहा है, इसको भी भूख लग गई फिर से। जैसे हम लोग मंदिर की परिक्रमा करते ना, वैसे हमने इस कैथेड्रल की परिक्रमा भी कर ली। राइट फ्रॉम हियर सामने अभी बहुत अच्छी धूप आ गई है, एकदम सनलाइट। 11 बजे के बाद वैसे भी प्रेडिक्टेड था कि सनलाइट होगा, एज एक्सपेक्टेड। नाइस वेदर नाउ। अब हम लोग कासल की तरफ जा रहे हैं। अभी तो काफी टूरिस्ट आ चुके हैं, इनफैक्ट सिटी सेंटर में काफी भीड़ लग रही है। ये मिनिएचर कैसल है क्योंकि हम लोगों को यहाँ से ऊपर जाना होता है कैसल के लिए, और ये वो वहाँ पर ऊपर कैसल है, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट वहाँ जाना अलाउड नहीं है कैसल के अंदर, खाली उसका मिनिएचर ही देख सकते हैं। तो नाउ विल वॉक टूवर्ड्स द कैसल, बाय। और ये टॉय ट्रेन यहाँ की 30 मिनट्स में पूरे शहर का दर्शन कराती है। मेरे बहुत सारे इंडियंस लग रहे हैं इस टॉय ट्रेन के अंदर, तो इनफैक्ट सारे ही मुझे इंडियंस दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों।
अभी हम लोग कासल के लिए जा रहे हैं ऊपर, और चढ़ाई चढ़नी है, थक गए हम लोग, बट हम लोग चलने वाले हैं। हम होंगे कामयाब। अब अभी थक गए, अभी तो मैं थका नहीं हूँ। आई कैन रन, बट आई कांट रन। First 15 minute walk to the castle is really very terrible, horrible, tiring. It's very tiring. सब थक चुके हैं, बट मैं जा रहा हूँ। हम होंगे कामयाब। Creepy is tired fully. अभी हम लोग थक चुके हैं, फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश है, और अभी हम लोग सीढ़ी से जाने वाले हैं। हम होंगे कामयाब। यहाँ से बहुत अच्छा सिटी भी दिख रहा है पूरा। This beautiful Vaduz castle lies on a hillside 120 meters above Vaduz. It is the symbol of the capital and can be seen from far away. Vaduz castle is the palace and the official residence of the Prince of Liechtenstein. After 30 minutes of hiking, we are very close. Almost there. चलो पहुंच जाएंगे। I'm very scared because it's very... हम लोग कितने ऊपर आ चुके हैं नीचे से, पूरा यहाँ से सिटी दिख रहा है हमको। हम लोग ग्राउंड जीरो पे थे और इतने ऊपर आ गए। While walking to castle, we became refreshed by sound of bird chirping, water flowing, greenery wherever you see, and finally ended our walk with seeing panoramic view of Vaduz city and beautiful castle. टेलीस्कोप से अपने एस्ट्रोनॉमिकल स्किल सेट देखते हुए, और यहाँ से हम लोग नीचे देख सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल सीन ऑफ सिटी सेंटर। वाओ, यस यस, भूमित इज स्कैर्ड आल्सो। वो हमको बुला रहा, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस रीचिंग दिस Vaduz castle. फाइनली 30 मिनट्स हाइकिंग करके हम लोग इस बिल्डिंग के उधर पहुंचे हैं, जिसको कासल बोल रहे हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अंदर जा भी नहीं सकते, ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि पूरे साल भर प्रोजेक्ट के लिए काम किया, और गोलाइव के एक महीने पहले क्लाइंट ने बोल दिया कि प्रोजेक्ट बंद, और हमारी पूरी मेहनत पानी में गई। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे इस वक्त। बहुत थक चुका है, और वो कासल के सामने अपने लिए बिस्तर लगा के सो चुका है। भूमित उठो, भूमित भूमित उठो, घर जाना है। फाइनली आफ्टर लॉन्ग हाइकिंग टू कैसल, वी आर टायर्ड एंड लंच टाइम, एंड टुडे पनीर पराठा। ज्योति थैंक यू फॉर द लंच। भूमित कृपी आर यू एंजॉइंग? यस। ओह वाओ, वेरी नाइस पनीर पराठा विद अचार। और भूमित और कृपी ने तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और तो अब मैं भी खाने के लिए बैठ जाऊंगा। एंड देन वंस अगेन वेरी नाइस व्यू। लंच करने के लिए बहुत ही अच्छा स्पॉट मिला है, एकदम से हाइकिंग के जंगल के रास्ते के बीच में, और सामने एकदम अच्छा व्यू। सो गाइस, दिस इज राउट हाउस मींस टाउन हॉल। Guys, this brown item named Three Cavalry, the three horses, was made by Swiss artist Nag Arnoldly. Guys, now we are walking in city center of Vaduz. So guys, this is Kunstmuseum, a modern and present art museum. While walking in the center, you can enjoy shopping, and when you are hungry, you can eat in restaurant and cafe. Mostly all visited places are nearby city center.
Now comes the postal museum. This postal museum is free to visit. In this postal museum, you can see collection of stamps and history of postal service. Okay, finally we are at the Alte Rhine Bridge, old Rhine Bridge. On one side we have Schweiz, on the other side we have Vaduz. And this is the bridge which connects the two countries. So guys, now we are going inside the old Rhine Bridge. The old Rhine Bridge is exactly what the name suggests, an old Rhine Bridge over the Rhine. The covered bridge is 135 meter long, but best enjoyed from the outside. Its wooden architecture paying homage to the mountain houses found all around the region. The bridge is the border between Liechtenstein and Switzerland. So guys, finally maine ye bridge dikha diya. So guys, now we are going towards Switzerland. हम लोग स्विट्जरलैंड चले गए थे और वापस लीचेंस्टाइन आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ बस वगैरह नहीं है तो हमको वापस आना पड़ रहा है। तो हम लोग इंडिया पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर की तरफ लीचेंस्टाइन स्विट्जरलैंड के ओल्ड राइन ब्रिज से जा रहे हैं। और यहाँ पे हैंड प्रिंट फुटप्रिंट भी बना सकते हैं। मोमित बना रहे हो? बनाओ। This view is very breathtaking, dramatic, and here you can enjoy taking beautiful photos. ओके, ऑन द वे बैक बहुत बोर हो रहा है तो हम लोग सोच रहे अभी लूडो खेलते हैं। तो क्रिपी, मैं और मोमित लूडो खेलेंगे और साथ में स्नैक्स भी खाएंगे। Also sitting in train, we will never get bored because we can see this beautiful view. Finally, अभी हम ज़ुरिक पहुंचने वाले हैं। क्रिपी बहुत टायर्ड लग रही है, देखो कैसे आंख वो कर रही है। मोमित भी थका थका लग रहा है। ज्योति इज ऑल्सो टायर्ड। तो अभी बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। आई थिंक बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा और हम लोग घर भी टाइम पे वापस आ गए, तो अभी घर जाएंगे। बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।